हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरी वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अपने लावा के फ़ोन में जो ऑटो स्क्रीन प्रॉब्लम होती है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस ऑटो स्क्रीन प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो वैसे वीडियो को हम सिंपली शुरू कर देते हैं। तो वैसे देखिए, जैसे मैं लावा का फोन, जो लावा के फोन की मोबाइल सेटिंग्स होती है उस सेटिंग्स को मैं ओपन कर लूँगा। तो हम सेटिंग्स को ओपन करते हैं। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको जिस तरीके से इंटरफेस शो हो जाएगा, तो वैसे हमको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको डिस्प्ले का ऑप्शन दिखाई देता होगा, तो डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर से हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन शो होता होगा, तो सिंपली हम इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो जैसे कि हमारे 15 सेकंड्स पर आता है, तो क्या करना है, सिंपली 30 मिनट्स पर क्लिक करना है। 30 मिनट्स पर क्लिक करने के बाद आपकी जो ऑटो स्क्रीन प्रॉब्लम होगी वो आपकी सिंपली ईजिली सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से अपने ऑटो स्कैनर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं लावा के फोन में। तो वैसे आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो वैसे मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।